एंड वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हैप्पी मकर संक्रांति। आज यहाँ 15 तारीख को मकर संक्रांति यहाँ पे मनाया जा रहा है। वैसे तो नहान वाले में न्यूज़ में दिखा रहा था, कल भी था या आज भी था, लेकिन हम लोग आज मना रहे हैं। अभी नहा लिए, मम्मी गई हैं नहाने, संगम नहाने गई हैं, ये गए लेके और उधर से पहले ऑफिस जाएंगे। आज भी छुट्टी नहीं है, कैंसिल हो गई, तो पहले ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी देर बैठे होंगे, अभी तक तो गए होंगे लेके नहाने के लिए। 3-4 घंटा तो लग ही जाएगा नहा के आने में उनको। अभी हम ओम देव तीनों लोग नहा के लिए, ये नहा के गए हैं। बिना नहाए ऑफिस जाने का भी मन नहीं करता है, तो इस वजह से बच्चे अभी हल्ला कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। नहा लिए हैं वो लोग, तो हम कहे हम नहा के आ रहे हैं, नहा के पूजा कर लिए, तो हम कहे आ रहे हैं तब दान तो छूने के लिए। जो भी दान किया जाता है, पहले तिल, सुबह नहाने के बाद तिल दान किया जाता है, फिर तिल ही मुँह में डाला जाता है। तो ये तो सब करके गए हैं, अपना छू के भी गए हैं और खा के भी गए हैं। ढूंढा खा लिए, उसमें तिल पड़ा हुआ था तो ढूंढा खा लिए। चलिए अभी हम लोग भी चलते हैं किचन में। ये दान का चावल, उड़द की दाल, ये चूरा गुड़, इसमें तिल भी पड़ा हुआ है, ढूंढा चार चार करे हैं। मम्मी तो अपना लेके गई हैं कि वहाँ पे नहाएंगी तो वहीं पे देंगी, छुएंगी और वहीं पे बैठे रहते हैं सब, तो दे भी देंगी। और ये नहा लिए थे तो कहे मुझे तो दे दो यहीं पे चूल्हे। खा लें, चलते हैं सब्जी बनाना है, क्योंकि दही चूड़ा सब्जी खाते हैं हम लोग आज दोपहर का खाना यही रहता है। अभी दही भी नहीं देखे हैं कैसा जमा है, कल का जावन दे के रखे हैं तो अभी चेक नहीं किए हैं। पहले डुंडा खा लें फिर किचन में आ गए। सब्जी की पूरी तैयारी कर लिए, क्योंकि दही चूड़ा ना मतलब दोपहर का खाना खाने के लिए सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी ही। और चोरी किए थे अभी तो नहा चुकी है मम्मी, अब आने में जितना समय लगेगा क्या पता थोड़ा बहुत मेला देखे, अगर इनके पास समय होगा तो घुमाएंगे, अगर नहीं समय होगा तो फिर नहीं घुमाएंगे। ये भी आएंगे तो खा के जाएंगे। टिफ़िन आज नहीं दिए हैं क्योंकि हम कहे कि फिर मम्मी की वजह से आना ही पड़ेगा, तो टिफ़िन नहीं दे के भेजे हैं। पूरी तैयारी कर ली है सब्जी की, बैक कैमरा से दिखाते हैं। देखिए प्याज, धनिया पत्ता, मटर, गोभी भी काट के रख लिए हैं, टमाटर, इसमें थोड़ा सा प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चा, आलू बॉईल करके रख लिए हैं। सब्जी थोड़ा ज़्यादा ही है क्योंकि शाम को खिचड़ी बनेगा, तो फिर वही यही आलू गोभी मटर बनाओ, उससे अच्छा कि अभी बना ले तैयारी कर, मतलब अभी थोड़ा सा बढ़ा के बना ले। दही चूड़ा के साथ सब्जी थोड़ा ज़्यादा खवाता भी है। कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल थोड़ा ज़्यादा ही था क्योंकि गोभी को अच्छे से इसमें छान के निकाल लेंगे। आज थोड़ा सब कुछ ज़्यादा है, मसाला भी 2 चम्मच गरम मसाला डाले हैं और 1.5 चम्मच हल्दी, फिर बाद में इसमें मीट मसाला ऊपर से डालेंगे। मीट मसाला अभी ख़त्म हो गया था तो उसको निकालेंगे, अभी तेल गर्म हो गया है, गोभी को डाल के इसको अच्छा लाल भून लेंगे। गोभी भून रहे हैं, चलते हैं पहले दही देख लें जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है उसका क्या हाल है, पता चले दही जमा ही ना हो। देखिए कैसे जमा है इसको, जुगाड़ बना के। ठंडी में थोड़ा दही जमाना मुश्किल रहता ही है। ये
अच्छे से जम गया है पूरा। देखिए कितना बढ़िया दही जम गया है। अभी लेके चलते हैं इसको किचन में। जम गया है अच्छे से। ये कि थोड़ा सा गर्म कपड़े में या कहीं ऐसे जो थोड़ा बहुत रहता है तो कैसरोल में ही ढक के जमा देते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो आटा में भी, आटा के डब्बा में भी रख दीजिए तो जम जाता है। अब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा था, मुझे लग रहा है ये वो ना 4 या 5 किलो का होगा। दूध तो पूरा भरा हुआ था लेकिन पकते पकते कम हो गया, लगभग गोभी पक गया है। गोभी अच्छे से भुन गया है। गोभी को निकाल के फिर इसी तेल में, तेल काफ़ी था इसी में, फिर आलू डाल के आलू को भून लेंगे अच्छे से। थोड़ी देर अच्छे से आलू भूनने के बाद, वीडियो बहुत फास्ट कर दिए थे क्योंकि जितना देर बनता है उतना देर दिखाने लगो तो फिर घंटों लग जाएगा। आलू भून गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दिया करिए, और जो न्यू हो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अभी जीरा हींग डाल के फिर प्याज में थोड़ा सा नमक डाल देने से प्याज जलता नहीं है। तो प्याज हल्का भुन गया है, इसमें मसाला डाल के अच्छे से मसाला को पका लेंगे। मसाले में ही मटर डाल दिए थे क्योंकि अच्छे से मटर पक जाएगा, क्योंकि कढ़ाई में बना रहे हैं तो थोड़ा सा मटर पकने में भी समय लगता है। और आलू पका ही है, बॉयल आलू है, और गोभी तुरंत पक जाता है, इसलिए भी टमाटर डाल के, टमाटर में नमक डाल दिए थे, टमाटर थोड़ा सा गल जाएगा तब इसमें आलू गोभी डाल के। और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमें जितना, बहुत मतलब पतला नहीं चाहिए रहता है इसका, थोड़ा सा गाढ़ा ही रहता है ताकि दही चूड़ा के साथ, मतलब सूखी सब्जी से थोड़ा सा पतला रहता है। अभी ऊपर से मीट मसाला डाल दिए हैं, फिर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल के, फिर थोड़ी देर पकाए थे बस गोभी का डंठल थोड़ा सा पकना था तभी तक। इधर रोटी भी बना लिए थे और सब्जी बन गया है, ये आ गए हैं तो फिर जल्दी जल्दी बस धनिया पत्ता डाल के इनको खाने के लिए दे देंगे रोटी सब्जी। सिर्फ मेला से यही है कि आया है पेठा, बाकी इतना देर हो रहा था इनके ऑफिस से फ़ोन आ रहा था, अभी खा रहे हैं दो ठो रोटी खा लें क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं है, एक डुंडा बस खा के गए हैं और चाय पी के। देव और मम्मी लेके चले गए। ओ मेरे देव को मलाई नहीं पसंद, मलाई नहीं दिए उनको, उनको मलाई पसंद। अपने लिए ये सब्जी निकाले हैं, जितना दही चूड़ा नहीं रहता उतना सब्जी रहता है, सब्जी मेन रहता है क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा तो चल ही नहीं सकता है, तीखा रहे उसके साथ। बहुत लोगों को ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन हम लोगों को बहुत पसंद है। यहाँ पे मेरे ससुराल में नहीं दही चूड़ा का है, यहाँ पे है कि सुबह खिचड़ी बनती है और शाम को पूड़ी सब्जी बनता है, और ये मेरे मायके तरफ में दही चूड़ा का है। मुझे पसंद है तो इस वजह से भी कर लेते हैं कि दही चूड़ा सुबह कर लेते हैं, रोटी इनके लिए बस सेक दी, बच्चों को भी पसंद है तो इनके लिए रोटी सेक दी है, फिर ये ले चलते हैं अपना खाना, सब लोग खा रहे हैं। शाम का समय हो रहा है, शाम का जोत जला लेंगे। गए थे थोड़ी देर बाहर टहलने, काफ़ी ठंडा पड़ गया है, इतना ज़्यादा मतलब कितना भी पहने रहो जो हवा चल रहा है। अभी जैकेट पहन के गए थे,
आलू टमाटर बैंगन बॉयल किए हैं, पानी नहीं डाले थे, केवल तेल डाल के बॉयल किए थे। और यहाँ अदरक लहसुन मिर्चा प्याज तैयारी कर रही है चोखा की। खिचड़ी के लिए दाल भी चावल दाल धुल के रख दिए हैं। दाल बिना छिलके वाली है, क्योंकि छिलका वाली रहती है ना तो इन लोगों को पसंद नहीं आता है, ज़्यादातर छिलका वाली ही मतलब आज के दिन यूज़ होता है। तो खिचड़ी में वैसे भी छिलका वाले ही दाल पड़ता है, लेकिन ये लोग नहीं खाते हैं तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, छिलका वाली बनाओ या बिना छिलका वाली बनाओ टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस नमक और तेल डालना है, बाकी सब तैयारी कर ली है। खिचड़ी थोड़ी देर में चढ़ाएंगे, बन गया है। अभी पानी इसमें ऊपर से डालेंगे, तड़का मतलब छौंक भी दिए हैं जीरा से अलग से। और ये सब्जी है इसमें डाल देंगे। सब्जी इसलिए भी बना के रख लिए थे क्योंकि वही फिर आलू गोभी मटर की सब्जी बना के और फिर इसमें डालना पड़ता, और उसमें डाल दीजिए जैसे खिचड़ी में ही आलू गोभी मटर की सब्जी डाल के और फिर पकाइए चावल को, तो गोभी मटर सब मिल जाता है जैसे खिचड़ी में पकने से, तो हम लोगों को नहीं पसंद आता। और ऊपर से डालिए ना तो काफ़ी टेस्टी लगता है। यही रहता है खिचड़ी का दिन का, शाम को बहुत लोग दोपहर में ही खिचड़ी बना लेते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ शाम को बनता है। ये तो नहीं खाए, दही चूड़ा नहीं खाया बिल्कुल, क्योंकि अभी आए तो चाय पिए, ठंडी लग रही है इनको, तो फिर अब अभी दही चूड़ा खाएंगे नहीं। आज हवा बहुत तेज़ चल रहा है, टोपी वगैरह नहीं ले गए थे। तो धनिया पत्ता ऊपर से धनिया पत्ता ऊपर से डाल दिए। चोखा अभी थाली में ही बनाए थे तो यहीं में रखा हुआ है, अब साथ में दे देंगे, से खाली नहीं किए हैं। अभी खाना निकाल के देते हैं। बस इसमें घी डाल के और चोखा, चटनी नहीं, चटनी चोखा रहता है तो फिर चटनी नहीं अच्छा लगता है। और आज थोड़ा सा तीखा मसाला हो गया, आज अदरक भी डाले, और मसाला भी रोज़ के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा ही था। अब कभी कभार तो चलता है, त्यौहार है तो फिर मेरी वजह से सबका फीका हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। चलिए फिर इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करते हैं। यही है हमारे यहाँ के मकर संक्रांति। अगर मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए, न्यू हो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।